हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, डेट फाइनेंसिंग। आपने ये तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ये स्टार्टअप के लिए क्या प्रोस और कॉन्स लेके आता है? बिल्कुल विकास जी, स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग ऑप्शंस में डेट फाइनेंसिंग एक पॉपुलर ऑप्शन है, बट अगर आप अभी नए हो तो थोड़ा कंफ्यूजन भी हो सकता है। लेट्स सिंपलीफाई इट फॉर आवर व्यूअर्स। हाँ वैष्णवी, तो सबसे पहले समझते हैं डेट फाइनेंसिंग होती क्या है। इट इज सिंपली टेकिंग ए लोन या डेट फ्रॉम ए बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसे आपको इंटरेस्ट के साथ वापस करना होता है विदाउट गिविंग अप एनी ओनरशिप इन योर कंपनी। एग्जैक्टली, और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपके बिजनेस में ओनरशिप कंट्रोल आपके हाथ में ही रहता है, इन्वेस्टर्स को शेयर देने की जरूरत नहीं होती। हाँ, और दूसरा एडवांटेज है टैक्स बेनिफिट। जो इंटरेस्ट आप पे करते हैं लोन पर, वो आप एज ए एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हैं, और जिससे आपको टैक्स की सेविंग होगी। वाह, दैट्स स्मार्ट पॉइंट विकास जी, लेकिन हर कॉइन के दो साइड्स होते हैं। डेट फाइनेंसिंग के साथ रिस्क भी होता है, स्पेशली अगर बिजनेस का कैश फ्लो स्टेबल नहीं हो, लोन के रेगुलर ईएमआईज और इंटरेस्ट पेमेंट का प्रेशर हो सकता है। डेट फाइनेंसिंग का एक और डिसएडवांटेज है कि अगर बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है या स्लो चल रहा है, तो भी आपको ईएमआई पे करनी होगी, इससे आपके फाइनेंस पर स्ट्रेस आ सकता है। और ये भी याद रखना चाहिए कि इंटरेस्ट रेट्स कभी कभी काफी हाई भी हो सकते हैं, जो स्टार्टअप्स के बजट पे एक्स्ट्रा लोड डालता है। एग्जैक्टली, तो दोस्तों अगर आप अपने स्टार्टअप के लिए डेट फाइनेंसिंग कंसीडर कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप कैश फ्लो और प्रॉफिट प्रोजेक्शंस को केयरफुली असेस करें। हाँ, डेट फाइनेंसिंग एक यूजफुल टूल हो सकता है, बस प्लान करना जरूरी है कि आप टाइमली रीपेमेंट कर पाए, अदरवाइज इट कैन बी बिकम ओवरवेलमिंग। तो ये थे प्रोस एंड कॉन्स डेट फाइनेंसिंग के। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको कोई भी टॉपिक में क्लैरिटी चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें।